दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक वीक का रिटर्न दोस्तों, सबसे पहले रिटर्न से ही बात करते हैं। एक वीक का रिटर्न दोस्तों लॉस में रहा है 8.7%। वहीं एक मंथ की बात करें तो भी 8.7% का लॉस ही रहा है। तीन मंथ में देखो दोस्तों 34% के करीब का रिटर्न रहा है। एक साल में 175% और पाँच साल में 1524%। तो दोस्तों कितना बड़ा रिटर्न है, आप ये पैटर्न देख सकते हो। तो शेयर अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, हमें देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों स्टॉक की हाईलाइट, जैसे कि स्टॉक का अभी सेंटीमेंट क्या चल रहा है, तो वो बुलिश चल रहा है। मार्केट प्राइसिंग क्या है, फेयरली वैल्यूड है दोस्तों। वो क्यों है उसकी हम बाद में आगे बात करने वाले हैं। फिर प्रॉफिट तो 242% दोस्तों कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे 242% दोस्तों बड़ा है प्रॉफिट। अब स्पॉट एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इनमें स्ट्रेंथ देखते हैं तो सात है। थ्री ईयर रिटर्न ऑफ 938%, यानी कि दोस्तों तीन साल में 938% का रिटर्न रहा। फिर रेवेन्यू हैज ग्रोन एट अ रेट ऑफ 11.57% और द पास्ट ईयर, पिछले साल के हिसाब से देखें तो 11.57% दोस्तों इनकी रेवेन्यू बढ़ी है। रेवेन्यू हैज ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट क्वार्टर बाय 135.02% ओवर द पास्ट क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर में 135% दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ी है, इम्प्रेसिव अच्छी खासी रही। नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट ईयर बाय 30.32% ओवर द पास्ट ईयर। तो दोस्तों लास्ट साल का यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा बढ़ा है 30% के हिसाब से। नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट क्वार्टर बाय 242.42% ओवर द पास्ट क्वार्टर। तो दोस्तों लास्ट क्वार्टर का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो भी 242% के करीब बढ़ा है, वो जो हमने आगे बात की हाईलाइट में। इम्प्रेसिव आरओए 27.80, इम्प्रेसिव आरओसी 30 के करीब है दोस्तों। अब दोस्तों वीकनेस इसकी एक है, वो क्या है कि ये ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। अब दोस्तों फंडामेंटल देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लार्ज कैप कंपनी है, क्यों, क्योंकि 351,980 करोड़ का दोस्तों इसका मार्केट कैप है। डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, तो डिफेंस में जो जो होती है दोस्तों गवर्नमेंट के ज़्यादा रिलेटेड होती है वही कॉन्ट्रैक्ट का साइन करती है। इनका पी रेशियो 46.19 है, सेक्टर का पी 49.45 है। तो दोस्तों सेक्टर के पी से भी कम है तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.4%, जो कि थोड़ा सा लेस है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंगेज इन द डिज़ाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर रिपेयर ओवरहॉल अपग्रेड एंड सर्विसिंग ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एरो इंजिन्स, एवियोनिक्स, एसेसरीज एंड एरोस्पेस स्ट्रक्चर। दोस्तों तो डिफेंस सेक्टर में ये वर्क करती है कंपनी। अब दोस्तों जैसे कि हमने रिटर्न तो देख लिया है, पहले ही चार्ट में ही देख लिया, तो अभी यहाँ पे दोस्तों टाइम नहीं गवाते, रेवेन्यू की बात करते दोस्तों। तो रेवेन्यू आप हर साल देखो कितनी अच्छी तरह से बढ़ रहा है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा शेयर महंगा भी आपको लग सकता है। 2020 में देखो 21,732 करोड़ का दोस्तों इनका रेवेन्यू रहा, वहीं 2021 में 23,112 करोड़ का, फिर 2022 में 25,604 करोड़ का, 2023 में 28,597 करोड़ का, 2024 में 32,777 करोड़। तो दोस्तों अच्छी खासी रेवेन्यू हर साल बढ़ रही है दोस्तों, कंपनी ग्रो कर रही है। उसी के साथ दोस्तों सिर्फ रेवेन्यू बढ़े और प्रॉफिट कम हो तो ये भी अच्छा नहीं सिग्नल है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉफिट भी अच्छी तरीके से दोस्तों बढ़ ही रहा है हर साल। 2020 में देखो 2,865 करोड़, फिर 2021 में 3,234 करोड़, 2022 में 5,080 करोड़, 2023 में 5,824 करोड़ और 2024 में 7,594 करोड़। तो दोस्तों आप देख सकते हो, तो 2020 से 2024 यानी कि पाँच साल में आप देखो तो यहाँ पे इनका दोस्तों नेट प्रॉफिट 5 गुना बढ़ गया है, आप देख सकते हो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। शेयर होल्डिंग देखो प्रमोटर के पास 71% के करीब है, एफआईआई के पास 13% के करीब का है, डोमेस्टिक के पास 8.78% और रिटेल एंड अदर के पास 6.65%। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग का पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कुछ की रेशियो जैसे कि आरओई देख ले, यहाँ पे 2019 में 21 के करीब था, 2020 में 22.8%, फिर 2021 में 22.6%, उसके बाद दोस्तों 2022 में 29% और 2023 में थोड़ा सा कम हुआ 27%। आरओसी देख लेते हैं, 2019 में ज़्यादा था 29%, फिर 2020 में 24% हुआ, वहाँ से दोस्तों बढ़ना शुरू हो गया, 2021 में 26% और 2022 में 30% के करीब है, और 2023 में आप देख सकते हो 31% के करीब है। आरओए भी आप देख सकते हो 5%, 6%, 6% और 22 और 23 में दोस्तों 9% के करीब रहा। ईपीएस भी देख सकते हो 34 रुपये है 2019 में, उसके बाद
43 है, 2020 फिर 48, 76 और 87 दोस्तों, तो दो गुना है, तीन गुना के करीब हो गया है, ये अभी आप देख सकते हो दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ जाके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर नहीं तो आपके पास ऑलरेडी कोई डीमैट अकाउंट है तो उसमें दोस्तों आप खुद की एनालाइज करके ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि आपको किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में डिटेल में एनालाइज चाहिए तो फिर दोस्तों हमें कॉमेंट करिए, हम वो भी वीडियो आपके लिए बना के यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।